क्या भारत और पाकिस्तान युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है? इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से दोनों ही देश एक युद्ध की तरफ जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बार बार ये ध्यान आकर्षित करते हुए सुना होगा कि उनके पास परमाणु हथियार हैं, आणविक ऊर्जा है और भारत के पास भी दरअसल है ही। अगर दोनों देशों के पास यह परमाणु हथियारों की शक्ति है तो उनके बीच में जब युद्ध होगा तो दोनों ही देशों का क्या हश्र होगा, ये आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान बार बार धमकी दे रहा है, पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में सेना की गश्त बढ़ा दी है और चाइना का उसको समर्थन है। और पिछले ही दिनों उन्होंने एक मिसाइल का प्रक्षेपण किया था जिसकी अनुमति भारत से या फिर भारत को उन्होंने बताया था, क्योंकि पड़ोसी देश को बताना होता है। तो यह संकेत क्या जाहिर करते हैं? इमरान खान बार बार कह ही रहे हैं। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कल कश्मीर के लिए न चाहकर भी उन्हें युद्ध की तैयारी करनी पड़ रही है, उनकी यह मजबूरी है। उन्होंने कहा कि आखिरी गोली, आखिरी सिपाही, आखिरी सांस तक लड़ेंगे कश्मीर के लिए। अब चुनाव भारत और पूरी दुनिया को करना है। यह स्पष्ट संदेश है पूरी दुनिया को, पूरी भारत को, पाकिस्तान की तरफ से कि कश्मीर उनके अस्मिता का प्रश्न है, कश्मीर के लिए वो लड़ेंगे और कश्मीर के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह पाकिस्तान का पक्ष है। इसके साथ ही भारतीय सेना ने कल लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया और पाकिस्तान की कश्मीर के अंदर घुसपैठ बढ़ रही है, यह कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, यह भारत के सामने सेना ने रखा। बुधवार को चिनार कोर्ट्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजीएल ढिल्लन और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी मुनीर खान ने कश्मीर में लश्कर से जुड़े पाकिस्तान के दो लोगों को गुलमर्ग से पकड़ लिया है। यह सूचना भारतीय सेना ने हमें दी है। और भारतीय सेना ने यह भी कहा है कि जब से भारतीय सरकार ने कश्मीर से 370 धारा निष्प्रभावी की है तब से पाकिस्तान तिलमिला उठा है। ये दोनों देशों की पृष्ठभूमि है और किस तरह से युद्ध की तरफ दोनों देश बढ़ रहे हैं, युद्ध की विभीषिका में दोनों देशों की आम जनता को झुलसाने के लिए दोनों देशों के राजनेता बयानबाजी कर रहे हैं, दोनों देशों की सेनाएं भी कर रही है। तो अब हम इस परिप्रेक्ष्य को एक विद्यार्थी की नज़र से, एक पत्रकार की नज़र से, एक किसान की नज़र से या फिर एक देश के नागरिक की हैसियत से अगर देखें तो हमारे हिस्से में युद्ध से क्या आएगा, चाहे वो पाकिस्तान का आम नागरिक हो चाहे वो भारत का आम नागरिक हो। स्पष्ट सी बात है, अब आपने सुना कि भारत की आर्थिक व्यवस्था किस तरह से चल रही है, किस तरह से जीडीपी की विकास दर है वो कितनी न्यूनतम स्तर पर चल रही है। और ऐसी स्थिति में सामरिक युद्ध होना, हथियारों से लैस सेना को एक परमाणु शक्ति के साथ साथ टकराना, हमारा देश अर्थव्यवस्था की बावजूद इसके कमजोर है और अगर युद्ध हुआ तो हम किस स्थिति में चले जाएंगे, इसका सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं। बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ है, भूखमरी दोनों देशों में है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, धनवान और धनवान होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों देशों के लिए युद्ध के लिए सोचना भी घातक है। यह बात जब तक राजनेताओं को और मध्यम वर्गीय वो जो लोग हैं जो ऐसी रूम में बैठे बैठे पत्रकारिता कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आप देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग इस बात से खुश हैं कि हम पाकिस्तान को हरा देंगे, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे या फिर पाकिस्तान के सैनिक मार देंगे, आतंकवादी मार देंगे। इनको ये लगता है कि युद्ध कोई खेल है, युद्ध कोई मनोरंजन की सामग्री है जो बहुत दिन हो गया कहते हुए हो ही जाना चाहिए, चलो सदियों से पहले पहले या फिर इन्हीं महीनों में हो जाए तो अच्छा है। आप युद्ध की जो गंभीरता है, युद्ध का जो दर्द है, युद्ध की जो निशान है वो इतिहास के पन्नों पर आपके घरों से गए नहीं, हमारे घरों से गए नहीं, हमें क्या पता युद्ध का। जिनके घर से युद्ध के लिए सैनिक गए हैं उन्हें पता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें समझना चाहिए,
हमारे देश की जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है, जिस तरह से मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, उस समय में युद्ध होना पूरे देश के लिए घातक होगा। जो गरीब हैं उन पर महंगाई का बोझ पड़ जाएगा, जो बेरोजगार हैं उन पर बेगारी का बोझ पड़ जाएगा, और जो लोग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, वह अपने जो समय सीमा है काम करने की, उससे अधिक काम करने लग जाएंगे। ये युद्ध की विभीषिका है। और सैनिक जो शहीद होंगे, जो गरीब घरों से गए हैं बच्चे, उनके घरों पर क्या बीतेगी? जिनके घर से सैनिक गए हैं, जब आप युद्ध की बात करते हैं तो उनके घर पे तवा नहीं चढ़ता, चूल्हा नहीं जलता। तो युद्ध युद्ध होता है, आप समझिए इन बातों को। और कश्मीर को करीब 1 महीना हो चुका है उसको कैद कर रखा है, और हम अट्ठास कर रहे हैं, हम दांत निपोड़ रहे हैं। एक शर्म की बात है। आप ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, नाखून भी जब कटता है तो दर्द होता है, देह कराह उठती है। 30 दिन हो गए और आप हंस रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप झूठ बोलते हैं कि कश्मीर आपका अभिन्न अंग है। आप बेशर्मी के साथ यह घिनौना झूठ बोलते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। अगर अभिन्न अंग होता तो करोड़ों लोगों की जो पीड़ा है वो आपको भी महसूस होती, आपको महसूस नहीं हो रही है। तो आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ वहां की जमीन से प्रेम है, और वो जमीन आपको नहीं मिलेगी, इस देश के धन्ना सेठों को मिलेगी, इस मजदूर वर्ग का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। हम जिस गांव से हैं वो गांव हमारा है, हम जहां जन्म लिया है वो हमारा है, और हम इस जगह की खूबसूरती के लिए अपना योगदान देंगे बस। लेकिन इस पूरी दुनिया में जहां भी कोई भी व्यक्ति पीड़ा से कराह रहा है, अगर आप इंसान हैं तो उसकी पीड़ा आपको महसूस होगी, अगर आप इंसान नहीं हैं तो आपको नहीं होगी। अब अर्थव्यवस्था मंदी है, उस पर ध्यान न जाए, इसलिए सारे के सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। 2015 में स्मृति ईरानी ने कहा था कि मोदी सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। कितना कितना शानदार सच बोलते हैं ये। वैसे ही जैसे सुधीर चौधरी पत्रकार हैं, सानिया मिर्जा क्रिकेटर हैं, सचिन तेंदुलकर फुटबॉलर हैं, वैसे ही। तो अर्थव्यवस्था को 2 दिन में ही ऊपर बढ़ाने के लिए, यानी तत्काल ऊपर बढ़ाने के लिए, हमारी परिवहन मंत्री ने परिवहन संबंधित जो जुर्माना है उसको बढ़ा दिया है। एक वाहन के तो 59,000 रुपये चालान काटा गया है। कमाल है, ऐसा लग रहा है जैसे यूरोप की सड़कें हैं। मतलब मैं समझ से बाहर है कि इस ऐसे गरीब देश में, जहां पर लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना जीविकोपार्जन भी मुश्किल से कर पाते हैं, वहां पर 10-10 हजार, 23-23 हजार जो वाहन है उसका मूल्य भी उतना नहीं है जितना उस पर जुर्माना लगाया जा रहा है। तो एक प्रकार का प्रहसन चल रहा है देश के अंदर, अट्ठास चल रहा है, और दिल्ली में बैठे एंकर मुस्कुरा रहे हैं, उनको शर्म आती नहीं है। दोस्तों आपको समझना है, जो देश के अंदर परिप्रेक्ष्य बन रहे हैं उन पर आपको पैनी नजर रखनी है, और हम रोज शाम को आकर आपको आगाह करते रहेंगे, हर मुद्दे पर आपके सामने बात रखते रहेंगे। आप कितना अमल करते हैं इस बात पर वो आप पर है, हमारा काम है रोजाना आपको अपनी तरह से जितनी समझ है, जितनी हमारी सहज बुद्धि है, उसके तहत आपको बताते रहें। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, पास से बेल आइकन उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होती है आपको सूचना मिल जाएगी। यह काम आपके दम पे चलता है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर जाएं जहाँ समर्थन का बटन है, उसको क्लिक करें, उसमें अपने सामर्थ्य अनुसार राशि चुन सकते हैं ताकि हम इस काम को मजबूती के साथ करते जाएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।